हाय फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं मैथ का नया टॉपिक। तो आज हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का हम जीरोस और कोफिशेंट कैसे निकालेंगे। तो हमारे इसमें ax² + bx + c, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। सबसे पहले मैं आपको इसका जीरो निकालूँ, उससे पहले मैं खुद आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उससे मैं आपको समझा देता। जैसे हमारा 2x² - 8x + 6, इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग चलते हैं। तो इसमें हम मिडिल टर्म 2 × 6 = 12, तो हमारे दो नंबर ऐसे चाहिए 12 को, जिससे हम यहाँ माइनस प्लस करें तो हमारा 8 है। तो 12 6 2 12, तो 6 2 तो हमने ले लिया। तो इसमें 2x² - 6 - 2x + 6, तो इसमें 2x कॉमन ले लिया x-3, और इसमें 2 कॉमन ले लिया x+3। तो ये दोनों हमारा x-3 x-3, तो हमारा x-3, और ये 2x-2 जगह तो 2x-2 हमारे में, फिर x-3 = 2 हमने कॉमन ले लिया x-3, तो हमारा 2 = x-1 और x-3, तो हमारा x-1 = 0 और x-3 = 0। हमारी x की वैल्यू क्या आई है, 1 और 3, मतलब जो हमारे इसमें दो जीरोज आए उससे हम 1 और 3, ये दो हमारे जीरो से, इसे हम x-1 और x-3 भी लिख सकते हैं जीरोज को। अब हम देखते हैं कि इसके रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे जीरोज एंड कोफिशेंट के क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें हम जीरोस लेते हैं अल्फा और बीटा। तो हम इक्वल टू, हम इसमें के ले लेते हैं x-α और x-β। इसमें आपको मैंने जैसे पहले वो इक्वेशन में मैंने बताया था कि हमारा कोई भी दो जीरो से उससे हम एक्स माइनस, जैसे 1 और 3 आया था, तो इसमें हमें x-α और x-β हमने ले ली। तो हमारी पी एक्स की वैल्यू क्या है, ax² + bx + c। तो हमारा ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, ये एक बार इससे और ये बार इससे, तो हमारा k। तो x² - β(x) - α(x) - β(β), तो हमारा ये हम इससे एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे x b से, तो हमारा ax² + bx + c = k। ये x², ये हमारा माइनस माइनस, हम माइनस से बाहर ले लेंगे और इसमें हम x कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस, इसमें हमारा अल्फा बीटा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैसे सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ax² + bx + c = kx² - kx(x+b) + α(β)k। तो इसमें हम देखेंगे ये हमारा ए ए, इसे हम करेंगे डिफाइन। तो हमारा ए को करेंगे तो x² कट जाएगा, हमारा a = k। बी तो हमारा x कट जाएगा, बी की जगह तो हमारा आ जाता है -α + β = k, और सी हमारा आता है α β k। तो अब हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो ये माइनस हमारा ये आ जाएगा -β/k, और हम अल्फा बीटा निकालेंगे तो हमारा c/k। तो हमारे इसमें हमने देखा k की वैल्यू क्या है, a, तो हमारी -β/a और c/a। तो हमारा ये जीरोस के क्वेश्चन हम ऐसे निकालेंगे, ये देखिए इसमें पहले हमने मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ आके हमने सिंप्लीफाई ए से वो किया डिवाइड, बी की वैल्यू निकाली, सी की निकाली, तो ऐसे करके हमारा ये जीरो सब कोफिशेंट आ गया। इससे अब हम वर्ड में देखते हैं हम इसमें लिखते कैसे।
अल्फा प्लस बीटा जगह तो माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा जगह तो कॉन्स्टेंट टर्म बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ऐसे हम निकालते हैं रीलेंट कोफिशियंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं इसकी अगले वीडियो में इसमें बताऊँगा जीरो कैसे निकाले क्यूबिक पॉलीनोमियल की। हाय दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।